डियर स्टूडेंट्स, क्या आप क्लास 10 से 11th में मूव कर रहे हैं और आपका सपना है IHN बनने का? अगर हाँ, तो यही है सही वक्त सटीक निर्णय लेने का। जी हाँ, रेडियो ने लाया है 2 ईयर प्रोग्राम विकास प्लस, जहाँ आपको मिलेंगे 1000 से ज्यादा लेक्चर्स, 120 आवर से ज्यादा टेस्टिंग टाइम और 1640 आवर से ज्यादा अकेडमिक ड्यूरेशन। और साथ ही यहाँ आपको मिलेगा रेजोनेंस की हाईली क्वालिफाइड एंड वास्टली एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी टीम का मार्गदर्शन। साथ ही मिलेंगी अदर फैसिलिटी लाइक बोर्ड सपोर्ट, डाउट क्लासेस, कॉम्प्रेहेंसिव स्टडी मटेरियल, कंप्यूटर लैब, प्रैक्टिकल लैब, सेल्फ स्टडी जोन और डेली बेसिस पर होमवर्क की प्रॉपर मॉनिटरिंग। तो देर किस बात की है, आज ही रजिस्टर करें रेजोनेंस के एंट्रेंस टेस्ट के लिए और पाए 100% तक स्कॉलरशिप, वो भी मंथ वाइज फी बेनिफिट के साथ। विजिट करने के लिए डिटेल्स नीचे स्क्रीन पर उपलब्ध है। देखिएगा, हमने जो हमारे प्रदेश के प्रगति के तौर लेकर जाए और गांव में विकास, संपूर्ण विकास इसको कहेंगे, सिर्फ गली नाले तक गांव का विकास ना करके, उसके लिए हमारी सरकार काम करने में लगी हुई है। और जो शक्तियां पहले मैं कह सकता हूं चंडीगढ़ ऑफिसों में थी, वो हमने गांव तक ले जाने का उसको काम किया है। और सिर्फ हमने इसमें जो पहले मैनुअल काम होते थे उनको सॉफ्टवेयर में जो टेंडर के माध्यम से हम कराना चाह रहे हैं, सरकार चाह रही है, जिससे जो पैसा है उसका एक जवाबदेही रहे, उसकी अकाउंटेबिलिटी हो और काम में गुणवत्ता है और समयबद्ध तरीके से, क्योंकि जब टेंडर प्रोसेस में जाएंगे उसमें एक समय अवधि भी तय होती है, उसमें हमें काम करके देना होगा। मेरा बार बार मैं अनुरोध कर चुका हूं कि आप एक बार इस जो नई प्रक्रिया सरकार लेकर आई है टेंडर के माध्यम से काम करना चाहती है, उसमें सरपंच ने अनुरोध किया, हमने चुनी पंचायतों सभी से कि आप इस पर एक बार साथ दें और प्रदेश की प्रगति में और अपने गांव के विकास में भागीदारी बने। सर, इसमें चेंज भी किया जा सकता है, जिस तरह डिप्टी सीएम का बयान आया कि एक बार पंचायतें इसको शुरू करें, अगर कोई दिक्कत आती है तो इसको चेंज भी किया जा सकता है। पहले जब मैं पूरे हरियाणा प्रदेश में जब जिलावार गया, जब हमने चुने हमारे प्रतिनिधि थे, चाहे हमारी समितियाँ थी, जिला परिषद थी, हमारे पंचायतें थी, सरपंच साहिबान थे, सबसे हमने सुझाव लिए गए थे। उस टाइम उनके 2-3 सुझाव बिल्कुल जनमन थे, जो हमने अब नया नोटिफिकेशन आपने देखा होगा उसमें डालने का काम किया। पहले जो टेंडर प्रक्रिया थी वो उसका समय अवधि ज़्यादा थी, उसको घटाकर हमने 7 दिन में करने का काम किया है। और आज कोई भी काम ऐसा नहीं है जो 1-2 लाख या 5-7 लाख से होगा, गाड़ी भी अगर कोई बनाते हैं वो 15-20 लाख से, 8-10 लाख से लेके 15-20 लाख तक ही बढ़ेगी। तो उसके अंदर उसकी एक क्वांटिटी क्वालिटी उसमें हम सुनिश्चित कर पाएंगे। और जो प्रक्रिया का समय लग रहा था उसको भी हमने शॉर्ट कर लिया गया है। इसमें बस मैं तो ये कहना ही चाहूँगा उनसे कि आप इसमें साथ जुड़ के एक बार आप इसको इम्प्लीमेंट तो कराएं। अभी जब पंचायतें नहीं थी तो टोटल प्रोसेस ई टेंडरिंग के माध्यम से हमने जो काम थे, जो भी हमने लाइब्रेरियों के थे टेंडर लगाने थे या और हमारे ग्रे वाटर मैनेजमेंट के थे, हमने देखो या बिल्डिंगें कोई बन रही थी, जैसे ये भी बिल्डिंग है थ्रू टेंडर प्रोसेस ही आई है, ये भी 32 लाख की करीबन 36 लाख की बिल्डिंग बनी है। गली नाली तक ना विकास को रोक के मूलभूत जनों स्तरीय कार्यक्रम सरकार लेके आई है, उसमें चाहे ई लाइब्रेरी हो, जिम हो, महिला सशक्ति भवन हो, लाइटें फिरनी पर हम देखे कैमरे के साथ देने जा रहे हैं, पार्क हम बनाने जा रहे हैं, हम स्कूलों को ठीक करने जा रहे हैं, हम हमारे ग्राम सचिवालय हैं उनका आधुनिकरण करने जा रहे हैं, हम हमारी जो बड़ी बिल्डिंग है इनको क्या बोलेंगे इसको हम अपने लेकर आ रहे हैं कि समुदाय केंद्र बनाने जा रहे हैं, कम्युनिटी सेंटर हम बनाने जा रहे हैं। तो उसमें एक बार आप गांव के विकास की तरफ सरकार की तरफ हाथ बढ़ाएं, सरकार आपके साथ खड़ी है। माननीय मुख्यमंत्री ने कहा है आप 1 कदम बढ़ाएंगे, हम 2 कदम बढ़ाएंगे। इसको अब जो राजनीतिक रूप कुछ लोग राजनीतिक पार्टियां देने में लगी हुई हैं, सरकार की जो डेवलपमेंट है प्रोग्रेस को उसको रोकने में लगी हुई हैं, मैं उनसे भी अनुरोध करूँगा कि जब हम प्रगति की तरफ प्रदेश को बढ़ा रहे हैं, गाँव का विकास चाहते हैं, पिछले 66 से लेकर आज तक जो मूलभूत सुविधाएं सिर्फ गली नाली या चौपाल के सिवा किसी सरकार ने भी सुध नहीं ली थी, ये हमारी पहली सरकार हम कह सकते हैं गठबंधन की सरकार जो इस विजनरी सिस्टम से गांव को आगे ले जाना चाहती है। सर, निर्वाचित जो सरपंच है वो ये बात कर रहे हैं पिछले 2 वर्ष के दौरान जो कार्य हुए हैं उसमें पारदर्शिता नहीं बरती गई, उसकी जाँच करवाई जाए। देखिएगा, जब गठबंधन की गठबंधन की जब सरकार बनी उसके बाद आपने पता ही होगा कि कोविड का एक ऐसा दौर आया जिसमें हम सब लोग, चाहे उसके अंदर हमारी सरकार को जिस गति से हमने काम को हम देना चाह रहे थे या हम जनमानस का जो जीवन था वो भी उससे डिस्टर्ब हुआ, कहीं ना कहीं इफेक्टेड हुआ। और उसके बाद जब से ये जिम्मेवारी मुझे मिली है बतौर विकास और पंचायत मंत्री के रूप में, हमने जो नई योजनाएं थी, परियोजनाएं थी सरकार की, उसको धरातल पर लेकर आने का काम किया है। अगर कहीं भी कोई शिकायत, पिछले भी बहुत शिकायतें हैं, आपने देखा होगा कि सख्त फैसले सरकार ने लिए और आगे भी अगर हमारे सामने कोई ऐसी शिकायतें आएंगी, पहले 0 टॉलरेंस पे हम काम करना चाह रहे हैं, उसकी तरह हमारे कदम बढ़ा दिए हैं पहले कि मैं कह सकता हूं दावे के साथ पहले से बहुत बेहतर सुधार हम लेकर आए हैं, क्योंकि मैं भी 1 साल से 1.5 साल के आसपास तो मुझे होगा कि उसकी तरफ हम आगे कदम बढ़ चुके हैं।
बार बार मैं आप लोगों के माध्यम से उनसे अनुरोध करना चाहता हूँ, मेरे चुने पंचायतों से, हमारा एक परिवार के रूप में, हमारा बहुत बड़ा परिवार है जो 70% आबादी की हैंडलिंग आज पंचायत विकास रूप के जो जिम्मेवारी बतौर मंत्री मुझे मिली है, उसमें आप सरकार का सहयोग करें, मेरा सहयोग करें। उसमें अगर कहीं कोई आपको इसमें आपत्ति महसूस होती है तो एक बार आप बैठ के आगे बात कर सकते हैं, एक इसको राजनीतिक रूप देकर और प्रदेश की प्रगति को रोकना, गांव के विकास को आगे बढ़ने से रोकना, मैं ये मानता हूँ ज़्यादा ठीक नहीं है। मैं तो बार बार आपके माध्यम से कह चुका हूँ, पहले भी जब मैं संवाद प्रोग्राम में गया तो उनके सुझाव थे, वो हमने अमेंडमेंट करके नया नोटिफिकेशन जारी करने का हमने काम किया है, और जो फाइलें 20 लाख से ऊपर चंडीगढ़ जाती थी, अब वो हमारी जो चुने जनप्रतिनिधि हैं ये जिला परिषद में, ब्लॉक समिति और पंचायतों में सरपंच करने का काम करेंगे। सबसे बड़ी समस्या गंदे जल की निकासी की है, उसके लिए बड़े तौर पे क्या? देखिएगा, बड़ा फैसला हमने ले लिया है, उस पर हम काम करने में लगे हुए हैं, उसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट स्लो थी, कुछ हमारा जो पॉन्ड अथॉरिटी इसके अंदर इन्वॉल्व है, काडा 2-3 डिपार्टमेंट हैं, इरिगेशन विभाग है, थोड़ा काम बटा हुआ था, अभी उसका कोऑर्डिनेशन की कमी हमारे डिपार्टमेंट की में पाई जा रही थी, उसकी कल भी मैंने मीटिंग ली है, पहले भी बार बार मीटिंग लेता रहा हूँ, मुख्यमंत्री जी ने भी उनकी मीटिंग ली है, और हम बहुत जल्दी इस पर बैठ के इसको और गति देने का काम करेंगे। करीबन हम आने वाले साल में हम 3.5 से 4 हज़ार गाँव को टारगेट करके चल रहे हैं, उनको उनको हम जल्दी उस धरातल पर लेके आने का काम करेंगे। BDPOs की कमी है? बिल्कुल, हमारे विभाग में BDPO, हमारे SDO और हमारे जेईज की, उसको भी हमने फाइल माननीय मुख्यमंत्री की तरफ से क्लियर होगी, आने वाले जल्द इन भर्तियों को भी हम करके जो स्ट्रेंथनिंग की कमी है उसको पूरा करने का काम करें।